इस बार फिर पंजाब के रहने वाले मनी, जिन्होंने सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर सभी को इमोशनल कर दिया। जी हाँ, बीता एपिसोड धर्मेंद्र जी के नाम रहा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी इस मंच पर आकर छोटे छोटे बच्चों की हर एक परफॉर्मेंस को देखते हैं, सुनते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। धर्मेंद्र जी ने इन बच्चों के साथ खूब मस्ती की और कहा, आप सब मुझे वादा करें कि एक देश के नागरिक रहेंगे। हर बच्चे ने धर्मेंद्र जी को इम्प्रेस करने के लिए कई धमाकेदार गाने गाए, लेकिन मनी ने धर्मेंद्र जी के आंसू ही निकाल दिए। हर बार की तरह इस बार भी मनी गेस्ट बनकर आए धर्मेंद्र जी को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। कहते हैं कि जब एक ही शहर के लोग मिलते हैं तो अंदर से एक उबाल आता है जो बहुत कुछ बयां करता है। ऐसा ही कुछ मनी के साथ हुआ जब उन्होंने अपने सामने धर्मेंद्र जी को देखा। दरअसल मनी भी पंजाब के हैं और धर्मेंद्र जी भी पंजाब के हैं। ऐसे में मनी की माँ धर्मेंद्र जी के लिए चूल्हे की रोटी और साथ में चटनी और प्याज लेकर आई थी। मनी ने बताया कि मेरे दादाजी आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब भी आपकी कोई फिल्म आती थी तो वो यही कहते थे कि आज मेरा यार आ रहा है। मनी के पंजाब के कुछ ऐसे सीन दिखाए गए जो धर्मेंद्र जी की जिंदगी से जुड़े हुए थे। ऐसे में धर्मेंद्र जी को अपना गाँव याद आ गया। धर्मेंद्र जी ने पहले तो मनी के माँ के हाथ की बनी चटनी और रोटी प्याज खाया और मनी को भी खिलाया। धर्मेंद्र जी ने एक बाइट खाते ही कहा कि अपने पिंड की याद आ गई, मुझे कोई मेरे पिंड पहुंचा दे, कोई मुझे मेरे बाबूजी के घर पहुंचा दे। इस मौके पर मनी ने धर्मेंद्र जी के लिए अपने तो अपने होते हैं गाना गाकर धर्मेंद्र जी को रुला दिया। धर्मेंद्र जी भी कभी को मनी की तरह पिंड में रहते थे और अपने माँ बाबू के साथ पूरा दिन खेत में मस्ती करते थे। कहते हैं कि दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन पिंड की यादें कभी भूली नहीं जा सकती हैं। तो आपको मनी की परफॉर्मेंस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता का एक फोटो सामने आया जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवन अरुणिता अब जल्द ही नए गाने में धमाल मचाने वाले हैं। जी हाँ, स्टूडियो से पवन अरुणिता का वीडियो सामने आया है। मतलब साफ है कि पवन अरुणिता ने फिर से एक नए गाने की रिकॉर्डिंग कर ली है और जल्द ही पवन अरुणिता अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। ये वही सरप्राइज है जिसका काफी दिन पहले इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, लगभग 2 महीने पहले इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि पवन नेपाली संगीतकार शिखर संतोष के साथ काम करने वाले हैं। शिखर संतोष ने 2 महीने पहले ही पवनदीप के साथ काम करने के लिए अपनी एक्साइटमेंट को जताया था, बताया था और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब पवन के साथ अरुणिता को भी शिखर संतोष के साथ काम करने का मौका मिला। जी हाँ, वीडियो में देख सकते हैं कि पवन तो शिखर संतोष के साथ स्टूडियो में नजर आ ही रहे हैं, साथ ही अरुणिता भी शिखर संतोष के साथ बातें करती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अरुणिता शिखर से कुछ सीख रही है और हो सकता है कि इस बार अरुणिता भी नेपाली गाने में अपनी आवाज दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में अरुणिता ने भी नेपाली गाना सीख लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो वाकई ये पवन अरुणिता के फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि अरुणिता भी पवन की तरह सब कुछ सीखना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं और अब वो भी चाहती हैं कि उनसे कोई काम अधूरा ना रहे। हालांकि वीडियो देखकर इतना तो साफ है कि पवन अरुणिता का जो भी गाना आने वाला है उसमें ये दोनों एक साथ ही नजर आएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल की एक दिलचस्प वीडियो सामने आ गई है जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। अरुणिता पूरी तरह से पार्टी में मदहोश दिखाई दी। अरुणिता मस्ती करने का कोई मौका खाली नहीं जाने देती हैं। एक बार फिर अरुणिता ने सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर धमाल ही मचा दिया। जब अरुणिता को पता चला कि कल सुपरस्टार सिंगर 2 के क्यूट कंटेस्टेंट रोहन दास का जन्मदिन है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उन्हें पार्टियां करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ। ऐसे में अरुणिता ने रात में ही सारी तैयारियां कर ली, लेकिन 12 बजने से पहले ही वो सो जाती हैं, उनकी आंख लग जाती है। वो तो पवनदीप अरुणिता की इन क्यूट हरकतों को जानते हैं तो वो अरुणिता को उठाने के लिए उनके कमरे में आते हैं और फिर अरुणिता को लेकर उस कमरे में जाते हैं जहाँ रोहन दास की बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया गया था। अरुणिता वहाँ पहुँचती है तो रोहन दास केक काटने के लिए तैयार खड़े होते हैं। रोहन दास ने अरुणिता को केक खिलाया। अरुणिता एक बार और केक खाती हैं
और वो पूरी तरह से मस्ती के मूड में आ जाती है। उसके बाद अरुणिता पवन बच्चों के साथ नाच गाना करते पूरी रात खूब मस्ती करते हैं। अरुणिता की तरह पवन को भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारे कैप्टन तो इधर उधर दिखाई दिए, लेकिन पवन अरुणिता हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इन खास दिनों को ऐसे ही जाने नहीं देते हैं। पवन अरुणिता ने रोहन दास का ये बर्थडे यादगार बना दिया। ये वही रोहन दास है जो अक्सर सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर कभी शेर बनकर आते हैं, तो कभी नत्थू लाल की तरह मूछे लगा कर आते हैं, और कभी तो वो लड़की के किरदार में भी नजर आते हैं। जी हाँ, रोहन दास लास्ट एपिसोड में लड़की की तरह पिंक ड्रेस पहन कर आ चुके हैं। रोहन दास का ये लुक देखकर अरुणिता कांचीलाल हंसी से लोटपोट हो गई थी। हर कोई रोहन दास को देखता ही रहा और रोहन दास के हिमेश रेशमिया भी बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। तो अगर अब तक आपने नन्हे रोहन दास को बर्थडे विश नहीं किया तो इन्हें बर्थडे विश करें। उनके साथ मस्ती करने वाली पवन अरुणिता की वीडियो का भी इंतजार करें, बहुत जल्द हम आपको एक नई वीडियो दिखाने वाले हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 शो को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है जो पवनदीप अरुणिता के फैंस को डरा सकती है। पहले पवनदीप सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग छोड़कर उत्तराखंड अपनी मां से मिलने गए, क्योंकि वहां उनकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो काम को छोड़कर मां को देखने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अरुणिता के घर जब पुलिस पहुंची तो लोग डर गए, लेकिन पुलिस यहां अरुणिता से मिलने आई थी, जिसकी वजह से अरुणिता को भी तुरंत शूटिंग से ब्रेक लेकर कोलकाता जाना पड़ा। वहीं अब इस सेट्स की एक और स्टार पर मुसीबत आ गई है, उन्हें भी घर लौटना पड़ा। ये स्टार कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार सिंगर 2 की जजेस और मशहूर सिंगर अलका याग्निक है। कुछ दिन से अलका जी सेट पर दिखाई नहीं दे रही हैं। जब पवन अरुणिता अलका जी से मिलने उनके घर पहुंचे तो पूरा मामला पता चला कि आखिर पवन अरु अचानक अलका जी की बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं। तो फैंस, हम आपको बता दें कि पवन अरुणिता अपने काम के साथ अपने साथ वाले लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे ही पवन अरुणिता को पता चला कि अलका जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो पवन अरुणिता अपने काम को निपटाकर उनसे मिलने, उनका हाल चाल जानने उनके घर पहुंचे। वहां पवन अरुणिता अलका जी की बिल्डिंग से बाहर निकलते दिखाई दिए। आपको बता दें, इस वक्त कई शहरों में खतरनाक बीमारी फिर से दस्तक देने लगी है। ऐसे में पवन अरुणिता के फैंस को डर सता रहा है कि कहीं फिर से पवन अरुणिता पे ये खतरा ना आ जाए। वैसे तो अलका जी की तबीयत अब पहले से ठीक है और कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। हो सकता है बदलते मौसम की वजह से उन्हें बुखार खांसी जुकाम हुआ हो, जिसकी वजह से वो कुछ दिन रेस्ट पर हैं और जल्दी सेट पर लौटने वाली हैं। लेकिन जिस तरह से खतरनाक बीमारी की खबरें आ रही हैं, वो फिर से पवन अरु के हेल्थ को लेकर उनके फैंस और घरवारों को डरा रही हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।